तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेस क्लिक क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 10,399 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 9,926 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 13,202 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी है। तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी ने खर्चे क्या किए हैं वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 9,820 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 9,428 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 12,085 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही है। ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में थोड़े से खर्चे ज़्यादा होना चाहिए थे, वो भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने खर्चे को कंट्रोल किया है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल गया था वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 351 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 157 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 802 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो मतलब अगर देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 5 गुना 400% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल 157 करोड़ के मुकाबले 802 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 130% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी ई पी एस क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये के आसपास था, पिछले साल 48 पैसे का ईपीएस था, अभी देखें तो 2 रुपये 56 पैसे के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार अशोक लीलैंड ने प्रेजेंट किए हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर बहुत शानदार थे और शेयर तब भी 150 रुपये के आसपास पे ट्रेड कर रहा था, अभी भी 150 रुपये के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी आपको अशोक लीलैंड के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।